नमस्कार सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। नगर सेवकों ने कितना अभी तक काम किया है अपने वार्ड में, कितना जनता के बीच में रहे हैं और कितना जनता के हिसाब से यानी जनता को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उतने कौन कौन से काम करके दिखाए हैं। इस नगर सेवक के कामकाजी वाले कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले बातचीत करने के लिए आए हैं नीलेश देशमुख, जो सभापति भी हैं, नगर सेवक भी हैं और लगातार काम करने में इनका नाम रहा है। लेकिन अब जानेंगे कि कौन कौन से काम इन्होंने अपने वार्ड में करके दिखाए हैं। लेकिन उससे पहले एक सुझाव मेरा कि कोरोना वायरस के इस पूरे महामारी में आप सभी सरकार का, महापालिका का साथ दें ताकि ये इस बीमारी से, इस संक्रमण से हम सभी बच सकें। आप सीधे मुलाकात करते हैं नीलेश देशमुख, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार नीलेश जी, क्या लगता है कि इस पूरे 5 साल में, चूँकि अलग अलग लोगों के उम्मीदें रही होंगी कि नीलेश देशमुख जीतेगा तो ये करके दिखाएगा, वो करके दिखाएगा, तो आपने इस पूरे 5 साल में कौन कौन से ऐसे काम किए जो वाकई में लाजवाब दे और करके दिखाए, जरा पॉइंट टू पॉइंट बता दीजिए। नहीं, लोगों के साथ जब मैं सामने गया था चुनाव के टाइम पे, उस टाइम हमने कुछ वादे किए थे। शुरुआती में तुलिन स्मशान भूमि का जो काम था उसको मैंने, जो कि यहाँ के बहुत सारे लोगों की समस्या थी, शमशान भूमि जाती थी तो वहाँ उनको सुविधा वो नहीं मिल पाती थी जो मिलनी चाहिए थी, तो हमने वहाँ 6 कामगार 3 शिफ्ट में हमने लगा दिए हैं, तो जो लोगों को लिए वो सुविधा मुहैया करते हैं, लकड़ी जो है वो लगाने का, करने का, ये सब काम वो करते हैं। उसके बाद मैंने तुलिन स्मशान भूमि का जो पूरा उसको फेंसिंग था, वो फेंसिंग पूरा करके लिया, चाहे बाहर के जो गर्दुल्ले और ये सब लोग आते थे वो वहाँ आने से उनको रोकथाम करना है और लोगों को सुविधा मिले, और भी काम चालू है, जल्दी वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद नाला सोपारा से जब हम लोग फॉरेस्ट नाका छोड़ते हैं तो आगे आते तो 5 रुपये वड़ा पाव वाला है, वहाँ जो ट्रैफिक होता था तो वो चौक का मैंने काम पूरा कर लिया, वहाँ वाइंडिंग कर लिया और वहाँ एक चौक बनाया, वो काम मैंने किया। उसके बाद अभी मैंने समझो संतोष भवन से लेके नाला सोपारा ब्रिज तक 4 करोड़ का एक काम लिया है, पूरा रास्ता नया बनाने का। अभी जल्दी वो टेंडरिंग हो गया उसका, तो जल्दी उसको वर्क ऑर्डर देके आने वाले महीने भर में उसका काम चालू हो जाएगा। सबसे अच्छा माता आपने जो महिलाओं के लिए जो खोला क्लिनिक, वो उसके बारे में ज़रा बताइए, बहुत अच्छा रहा वो। मेरा वार्ड नंबर 51 में लग के जो माता बाल संगोपन केंद्र है, जहाँ महिलाओं की प्रसूति के लिए महापालिका ने कक्ष बनाया है, वो हमारे कालावधि में चालू है, उसका फॉलोअप किया। और वो जो 29 का सर्वे नंबर था उसको मैंने पूरा फेंसिंग करके लिया, वहाँ एक पानी का टाकी बड़ा काम चले वो पूरा हो गया, और ये माता बाल संगोपन कार्य ये हमारे कालावधि में हो गया, उसके लिए मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है जो मैं वहाँ। यानी महिलाओं को अब कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं पर, और बाहर के लोग आके यहाँ एडमिट होते हैं। नाला सोपारा वसई विरार के बाहर की भी महिला है जो बम्बई से लेके भी यहाँ के अपना जो भी है डिलीवरी का काम यहाँ अच्छी तरह से हो पाता है। अच्छा, इसके बाद पानी की समस्या हमेशा रही है, क्या रोड बैरिंग में हमेशा शाम पानी नहीं पहुंच पाया, इसकी बहुत समस्या रही है, लेकिन आपके कार्यकाल में क्या ये संभव हो पाया? देखो, ये हमारे लोकनेता इंद्र ठाकुर और युवा आमदार सतीश ठाकुर और जो हमारे मेरे हमारे विभाग के हमारे कर्णधार उप महापौर उमेश जी नाइक, उनके मार्गदर्शन में हमने सब काम किए। और जब हम लोग आए थे तो लोड बैरिंग में लोग रहते थे, उनको पानी नहीं मिल पाता था, तो उस टाइम पे हमारे लोकनेता जितेंद्र ठाकुर ने वो उसके इनिशिएटिव लिया, सतीश ठाकुर ने जो भी अमृत योजना आई उसके अंदर के हमने लोड बैरिंग को पूरा पानी दे दिया, तो मेरे विभाग में मेरे हाथ से 200 बिल्डिंग को मैंने कनेक्शन पास करके दिया, 200 बिल्डिंग को, और उसमें 1 रुपया भी मैंने लिया नहीं, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में लोगों को सब उसका पूरा फॉर्म भरने से लेके उसका फॉलोअप करने का पूरा काम मैं और मेरे कार्यकर्ताओं ने किया, और उसके बाद हमने 200 बिल्डिंग को हम लोग दे पाए। और वो हमारे अप्पा सतीश ठाकुर, उमेश जी नाइक और रुपेश यादव, इनके सहयोग से मैं वो काम कर पाया। आप जानते हैं 200 बिल्डिंगों तक पानी पहुंचाना एक बड़ी अचीवमेंट है, 200 बिल्डिंगों मतलब हजारों लोगों के घरों में पानी पहुंचा जो बहुत लंबे समय से बिता ये। अच्छा, एक चीज़ और, आपने लगातार तो काम किया, कितने करोड़ के हम माने कि 5 वर्षों में इतने करोड़ के इन लागतों में काम पूरा हुआ आपके कार्यकाल, सिर्फ आपके नगर सेवक कार्यकाल? 3 साल तो मैं नगर सेवक था, 3 साल के बाद मैं सभापति पद का मौका दिया मेरे पार्टी ने। 3 साल में नगर सेवक था तब मैंने मेरे वार्ड में जो काम किए, तो वार्ड में अभी तक मैंने लगभग मेरे वार्ड में मैंने 5 करोड़ के काम किए हैं, और मेरी प्रभाग समिति में आप देखेंगे तो लगभग 25 करोड़ के काम मैंने 2 साल में पूरे करने के लिए, कुछ टेंडरिंग उसकी हो गई, जल्दी ये काम चालू हो जाएंगे बहुत सारे, उसमें वसंत नगरी का मैदान उसको फेंसिंग करने का काम बोलो, या फिर तुलिन स्मशान भूमि का काम बोलो, या फिर जो 5 रुपये वड़ा पाव के वाइंडिंग का काम बोलो, या यशवंत विवा टाउनशिप में एक बड़ा रोड का काम बोलो, या उसके अंदर में कुछ डामरीकरण का काम बोलो, उसके बाद ऐसे बहुत सारे काम जो है
वो मैंने सभापति होके मैं उसको काम को अंजाम दे पाऊँ। सवाल फिर आपसे, बहुत बार क्या होता है कि जब सभापति हो जाए, नगर सेवक हो जाए, तो एक आरोप लगता है कि इनके कार्यकाल में वो टेंडर आया होगा तो उसमें बहुत सारा घरफला हो गया होगा, भ्रष्टाचार हो गया होगा, तो इस तरह के जो आरोप की विपक्ष, चुनाव आने वाला विपक्ष ऐसे आरोप लगाएगा, क्या आपका सीधे तौर पर कहना है उन लोगों को कि ऐसे आरोपों पर, मान लो ऐसे आरोप लगते हैं तो उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, कैसे है, राजनीति के अंदर में आरोप प्रत्यारोप तो चलते हैं, और जैसे विपक्ष रहेगी तो वो कुछ अगर बात करेंगे तो हम भी हमारा कारोबार सुधारेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारे महापालिका पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है, जो भी टेंडरिंग होता है वो ऑनलाइन तरीके से होता है, जो भी बिलिंग होती है वो एमबी रिकॉर्ड जी भी होती है, उसका दस्तावेज महापालिका ने अवेलेबल रहता है। अभी माहिती अधिकार कायदा भी आया हुआ है तो उसके अंतर्गत लोग अपने मालूम ले सकते हैं कौन से रोड में अगर कैसा कुछ या कोई ऐसे काम में अगर कोई गफला उनको लगाई नज़र आता है तो वो ला सकते हैं, उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। लेकिन आज तक कोई ऐसी अर्जी आई नहीं, ऐसा कोई आरोप हुआ नहीं, तो मुझे लगता है कि बेहतर काम हो रहा है, स्वच्छ काम हुआ है 5 साल में। पूरा 100% मेरे नहीं, हमारे पार्टी के सबसे हम लोग काम, जो भी हमारे और भी पदाधिकारी हो गए वो सब स्वच्छता, अच्छा काम करने के ऊपर ही हमारा जोर है। अच्छा, ये ट्रैफिक को लेकर, ये जो सुपली ब्रिज के नीचे ट्रैफिक लेकर बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, ट्रैफिक बहुत, इस पर कैसा काम रहा है, आगे क्या माने कि भविष्य में ठीक हो पाएगा? नहीं, हमारे जो अभी महापालिका का बजट जो पारित हुआ है उसमें हमने ओसवाल नगरी का एक ओवर ब्रिज और जो यशवंतमिवा टाउनशिप है वहाँ भी हमने एक ओवर ब्रिज का प्रस्ताव रखा है। हमारे जो महापौर है, माजी महापौर रुपेश जाधव है, माजी उप महापौर उमेश जी नाइक है, हमारे यहाँ के राजू नाना पाटिल है, कर्णधार हमारे, इन सबों लोगों के प्रयास से और हमारे खास करके श्री ठाकुर के विजन में हमने ये दो अगर जो ओवरब्रिज पास की है, जल्दी उनका हम काम चालू करेंगे तो ये जो ट्रैफिक है पूरा डाइवर्ट हो जाएगा और ईस्ट और वेस्ट के जाने के लिए 3 मार्ग उपलब्ध हो जाएंगे, तो ये तुलिंज ओवरब्रिज का ट्रैफिक अपने आप कम हो जाएगा। कोरोना वायरस से आज दुकानें, उसको चूँकि आधारा 144 लागू है, जिला अधिकारी का निर्देशन है कि सभी दुकानों को, मॉल्स को और ऐसी चीज़ों को बंद किया जाए जहां पर लोग आते जाते ज़्यादा हैं, और खासकर खाने पीने के सामान तो चालू है वो दुकानें, इस पर क्या कहना है? दुकानें आज बंद है, फेरी वाले बिल्कुल रास्ते पर नहीं है, बहुत शांति वाला माहौल। ये जो बीमारी है, दुर्दैव से बीमारी आ गई, उसके लिए हम सब दुखी है, आहत है, और हमको कोई खुशी नहीं हो रही कि दुकान बंद करना चाहिए, क्योंकि ये दुकान जो है वो लोगों की रोजी रोटी का जरिया है और उससे रेवेन्यू जो मिलता है वो भी महापालिका को मिलता है, लेकिन इन सबसे पहला लोगों का जीना, लोगों की ज़िंदगी और लोगों का जो हेल्थ है वो सही होना चाहिए, तो उसके लिए हमको एक कड़े कदम उठा रहे हैं हम लोग, और उम्मीद भी है, लोग भी हमको सहकार्य कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम ये कोरोना वायरस के ऊपर पूरा जीत हासिल कर देंगे और वसे विरार में हम उसको पूरा कंट्रोल करेंगे। जैसा हमारे आरोग्य मंत्री ने बोला, गो कोरोना गो, तो हम कोरोना को भगा के ही रखेंगे यहाँ से। ये थे नीलेश देशमुख, और नीलेश देशमुख जिस तरह से अपने कामकाज बताए 5 वर्षों में, इन्होंने बताया कि सभापति बनने से तक उन्होंने 25 करोड़ के काम अपने प्रभाग समिति में अब तक करा दिए, ये लाजवाब काम है, और कहीं ना कहीं एक नगर सेवक के लिए बेबाकी से 5 साल पूरे होने के आसपास मीडिया के सामने आकर बोलना अपने काम, ये निश्चित रूप से बताता है कि उन्होंने काम किए हैं। आप तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये सारी तस्वीरें ये बताती हैं कि ये काम है जो नीलेश देशमुख ने अपने कार्यकाल में कराए हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच में काम भी महत्वपूर्ण होता है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ। धन्यवाद।